नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कहते हैं कि बिना नेता के समाज नहीं होता और बिना समाज के भी नेता नहीं हो सकता, यानी कि समाज और नेता एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन नेता कई तरह के होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नेतागिरी करते हैं, सरकार का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने घर भरना चाहते हैं। हालांकि मोदी सरकार में ऐसे कई नेताओं ने जेल की हवा भी खाई, और उसके बाद एक नेता ऐसा होता है जो निस्वार्थ देश हित की सोचता है, देश सेवा करना चाहता है। वो समाज को सिर्फ देता है जबकि बदले में अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। उसे ना अपने प्रमोशन की जरूरत है, वो नेता बनकर नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह ही जीवन यापन करना चाहता है और हंसते हंसते देश सेवा में खुद को लगा देना चाहता है। हालांकि इस तरह के नेता आपने शायद कम ही देखे होंगे, लेकिन मोदी सरकार में एक ऐसे ही मंत्री हैं जो एक आम नागरिक की तरह ही जीना चाहते हैं और ना कि एक नेता की शानो शौकत के साथ। तभी तो मोदी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री ने 3 सितंबर 2019 को रात करीब 9:30 बजे दिल्ली मेट्रो में सफर किया और किसी को पता भी नहीं चला। यात्रियों की बेतहाशा भीड़ वाली मेट्रो में फरीदाबाद जाने के लिए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सवार हुए और क्योंकि भीड़ बहुत थी तो उन्हें बैठने की भी जगह नहीं मिली। उन्हें दिल्ली से फरीदाबाद और फिर वापसी में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक का सफर खड़े खड़े ही तय करना पड़ा, और जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा ही सवाल दाग दिया। कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, इसमें हैरत की क्या बात है, मैं मंत्री हूं तो क्या मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकता, मेट्रो में यात्रा करने का अपना अलग ही लुत्फ है। उनसे पूछा गया कि आखिर उन्हें मेट्रो में यात्रा करने का विचार कैसे आया, वो भी इतनी देर रात, तो उन्होंने बताया कि उन्हें फरीदाबाद में एक निजी समारोह में शामिल होना था, उनका मन किया तो उन्होंने मेट्रो पकड़ ली। रात करीब 10 बजे फरीदाबाद आयोजित समारोह में वो शामिल हुए और उसके बाद मेट्रो पकड़कर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चले गए, क्योंकि समारोह के बाद उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री मेट्रो की स्टील की रॉड पकड़कर खड़े हैं और फोन पर बात कर रहे हैं, और वो भीड़ में कुछ ऐसे सफर कर रहे हैं जैसे कोई आम व्यक्ति। वैसे भी नेता भी तो आम व्यक्ति ही होता है, लेकिन सरकारी सुख सुविधाएं उसे आम से खास बना देती हैं। और फिर भी अगर कोई मंत्री एक आम व्यक्ति की तरह बर्ताव करता है तो उसकी सादगी और उसकी सरलता मन को छू जाती है। और मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की यही बात दर्शाती है कि वो असल में कितने सरल और सजग शख्सियत हैं। बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल 2014-19 में भी 4 लाख से ज्यादा वोटों से गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत हासिल की थी और केंद्र में उन्हें कृषि राज्य मंत्री का पद मिला था। और फिर 2019 के चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ कहे जाने वाले जोधपुर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव को 2,74,440 वोटों से हराकर विजयी हुए, और फिर मोदी 2.0 में भी उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। याद हो कि जोधपुर से चुनावी मैदान में उतरने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने प्रतिद्वंदी वैभव गहलोत को चुनावी रैली के दौरान गले से लगा लिया था। हालांकि इस मौके पर भीड़ सिर्फ मोदी मोदी ही चिल्ला रही थी,